हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं इस चैनल पर लूसेंट जीके की तैयारी करवा रहा हूं, जिसकी मैं एक सीरीज चला रहा हूं। अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। हाल ही में कब दास व्यापार और उनके उन्मूलन के याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दास हैं उनके व्यापार और उनके उन्मूलन की तिथि को याद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। और यह जो दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो जो पुराने समय में जो लोग थे उनको दास बनाकर रखा जाता था तथा कुछ समय पश्चात उनको बेच दिया जाता था, इसीलिए दास व्यापार और उनके उन्मूलन की तिथि को याद करने के लिए हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है दास व्यापार और उन्मूलन की याद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई है यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 की थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरस है। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस है, यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने, किसने? गूगल ने द एनीवेयर स्कूल यानी कहीं भी विद्यालय नामक एक नई पहल की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गूगल है इसने एनीवेयर स्कूल यानी कहीं भी विद्यालय की शुरुआत की है। और साथ ही जो गूगल है इसने अभी हाल ही में जो गूगल प्लस एप्लीकेशन था उसका नाम चेंज करके गूगल करंट लॉन्च कर दिया, यानी जो गूगल प्लस नाम से एक एप्लीकेशन था, एंड्रॉइड एप्लीकेशन था, उसको गूगल करंट नाम से लॉन्च कर दिया है। और साथ ही जो गूगल है इसने अंधे लोगों के लिए टॉल्क बैक भी लॉन्च किया, यानी टॉल्क बैक कीबोर्ड होता है उसको लॉन्च किया है अंधे लोगों के लिए, इससे वो टाइपिंग कर सकते हैं। साथ ही जो गूगल है इसने इसने अभी हाल ही में डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाया है। इससे आपको मैंने एक गूगल के बारे में बताया, इसके साथ आपको चार क्वेश्चंस तैयार हो गए। इसने गूगल प्लस को गूगल करंट्स में लॉन्च कर दिया, अंधे लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड भी लॉन्च किया, साथ ही डिजिटल साक्षरता अभियान भी गूगल चला रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल ने द एनीवेयर स्कूल यानी कहीं भी विद्यालय नामक एक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में लुइस रोडोल्फो एबिनेडर, कौन है? लुइस रोडोल्फो एबिनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात आई है डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है मैप में डोमिनिकन रिपब्लिक, और इसके जो कैपिटल है उसका नाम है सेंटो डोमिंगो। क्या नाम है? सेंटो डोमिंगो नाम है इसका कैपिटल का नाम। और साथ ही जो इसकी करेंसी उसका नाम है डोमिनिक पैसो। क्या नाम है? डोमिनिक पैसो नाम है। और जो प्रेजेंट टाइम पे इसके जो राष्ट्रपति बने उनका नाम लुइस रोडोल्फो एबिनेडर, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज की पीडीएफ की टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आगे की वीडियो में ऐसी टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम यानी उपरोक्त सभी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम को हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के पट्टे पर मंजूरी दे दी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मेहती का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में भास्कर मेहती का निधन हो गया और ये प्रमुख फुटबॉलर थे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भास्कर मेहती का निधन हुआ है यह एक प्रमुख फुटबॉलर थे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में COVID-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है? तो अभी हाल ही में
अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्लाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दी है। जो अमेरिका देश है, इसने जो स्लाइवा यानी जो मुंह की लार होती है, इसकी आसानी से जो कोविड-19 का पता आसानी से लगा जा सकता है, और इसकी रैपिड टेस्ट की मंजूरी अभी अमेरिका ने स्लाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दे दी है अमेरिका की। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अमेरिका है, इसने कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्लाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में भारत ने और जापान ने जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया है, इसने भारत और जापान देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। इसकी जो प्रेजेंट टाइम पे करेंसी, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवार के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, AIIA की फुल फॉर्म यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये फुल फॉर्म है AIIA की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अब इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। यानी जो दिल्ली की पुलिस है, इसने पुलिस के परिवार के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है दिल्ली की। तो दिल्ली के साथ साथ दिल्ली ने अभी हाल ही में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। जो देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है वह दिल्ली में स्थापित हुआ है। अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली। दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल है। कौन है? अरविंद केजरीवाल। और प्रेजेंट टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर है, उनका नाम है अनिल बैजल। क्या नाम है? अनिल बैजल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीक उपकरण भेजे हैं। तो अभी हाल ही में जो मॉरिशस में तेल रिसाव हुआ था, उसमें भारत ने मदद करने के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है मॉरिशस की। तो मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। क्या नाम है? पोर्ट लुइस है। जो इसकी करेंसी, उसका नाम है मॉरिशस रुपयन। क्या नाम है? मॉरिशस रुपयन। और प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है प्रविंद जगनौथ। क्या नाम है? प्रविंद जगनौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। यानी अभी किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। तो अभी हाल ही में तुर्की में, कहां पर? तुर्की में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है तुर्की। तो तुर्की की कैपिटल अंकारा है। क्या है? अंकारा। और प्रेजेंट टाइम पर जो इसकी करेंसी है, उसका नाम है टर्किश लेरा है। क्या नाम है? टर्किश लेरा। और प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है तैयफ एड्रोगन। क्या नाम है? तैयफ एड्रोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को 40 वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो अभी हाल ही में पीएनबी बैंक को, यानी पंजाब नेशनल बैंक को, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो पीएनबी बैंक है, इसको चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है पीएनबी की। तो पीएनबी की फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 19 मई 1894 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वह है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है, उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन राव। क्या नाम है? SS मल्लिकार्जुन राव है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉजिटिव पे आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुविधा शुरू की। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है। आपके ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी
लूसिड मोटर्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही मैं इस चैनल पर लूसेंट की तैयारी करवा रहा हूँ, उसकी सीरीज आपको आई बटन में साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।